जायज बात कहूँगा तो उल्टी चलती है। अभी जैसे मैंने घर में दुकान पर रखी है तो कहीं जाओ तो ये तो बताओ कि कहाँ जा रही है, ग्राहक आ गया तो कहाँ गई है, वो नौकरी इतना क्या मतलब, मैं कहीं जाऊँ कहीं आऊँ, किसी टेम आऊँ किसी टेम आऊँ, तो क्या मतलब है, ऐसे बोलती हूँ। पड़े तभी मैंने ये वो कहा। अब आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जो माँ होती है वो कहीं ना कहीं रिचुअल्स फॉलो करते हुए अपने सिर के ऊपर टोकनी तक लेकर के जाती है, और आज ये कलयुगी बेटा आप लोग देख सकते हैं जो अपनी ही बाप के जान का दुश्मन बना हुआ है, हाथ आप लोग देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से पीटा गया है, डंडों से मार मार के हाथ की हड्डियां तक तोड़ दी गई हैं, लगभग 10 से 15 दिन से ये व्यक्ति अस्पताल के अंदर धक्के खा रहा है, ना तो इसको घर के अंदर कोई देखने के लिए आता है और ना ही जो है पत्नी इसको अपने घर के अंदर ले करके जाती है। क्या है पूरा मामला, क्यों जो है एक कलयुगी बेटा अपनी बाप के जान का दुश्मन बन गया है, वो इनसे ही जानते हैं। मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है और क्यों जो आपके बेटे ने इतनी मारपीट की। मेरा बेटा पहले ये नशा पत्ता चोरी के जेल में था, उसकी माँ उसको हमारे से लुकमा छुटवा ले, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरा वो, अब रोज नशा करता है, वारी सवेरी आ तो मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन माँ उसकी मेर लेती है, और माँ के कहने से तू मैं करके वो 13 तारीख को भी हमने उसके खिलाफ दरखास्त दी थी, 112 नंबर पर पुलिस बुलाई थी, फिर हम थाने में गए सदर को 8 बजे, उसके बाद भी हम दोनों ने दस्तक करे थे भाई यो हम मारा पीटी तंग करता है, अगले दिन पुलिस वाले ने फिर छोड़ दिया वो, उसका अगर उस दिन कानून कार्रवाई होती तो आज ये दिक्कत नहीं होती। जिस समय आपके बेटे ने आपको मारा था उस समय क्या बात हुई थी? उस समय ये बात हुई थी जी, मेरी घरवाली और ये बोला, मैं बोला मैं बोले काम नहीं करता भाई मेरी तबीयत खराब है, मगर मेरे को तो तुम हो वह काम की बात है, तेरा लड़का काम करता नहीं तू नहीं करती तो वो टुट्टू में करने लगी। उसके बाद उसने जो है लड़के को पता नहीं मैं तो बार सिखा के ना कैसे क्यों उसको पैसे देती है उन्होंने, उसने मेरे ऊपर डंडों से हमला किया, माने भी मेरे से मारे। आपकी पत्नी ने भी साथ दिया अपने बेटे? हाँ हाँ उसी लिए तो उसने वो गुंडा बना लिया और किस लिए बना है, अब उसको धमकाती ताड़ती तो फिर वो क्यों बनता। क्या काम करते हैं आप? मैं ये फेरी फारी का मजदूरी का करता हूँ जी। आपका बेटा क्या काम करता है? कौन सा ये काम कहाँ करता है, ये कभी दिहाड़ी कर आया तो कर ली, नहीं कर आया तो काल कर दी, कभी चोर ले गया कभी मां से ले गया, बस और की क्या। नशा रोज करता है या कभी कभी करता है? नशा जी मिला तो रोज बताओ, हमारे पास सुबह से निकल गया शाम को आ गया, हम रोजे कराई भी, मैंने चाचा का पूछ रहा था जी, वो दिन रात नशा कर रहा है क्या करें। तो कई चोरी के इल्जाम भी आपके ऊपर लगे, क्या आप चोरी करते हैं? और मैं बेटे के ऊपर लगे, मैं चाहो चोरी किस, मैं चोरी किस चीज़ की कर रहा हूँ, मैं तो अपना फेरी का धंधा करता हूँ, उसको ऊपर लगाया हो रहा है उस बात का पता मुझे। तो आपके बेटे ने चोरी की थी तो इल्जाम आपके ऊपर क्यों लगते हैं? मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगते हैं? बिजली चोरी होती है तो आपके नाम के ऊपर आता है? अभी बिजली चोरी तो मैं करता नहीं है, अब बिजली चोरी वो करा है मेरे पास, पहले 5000 रुपये का दंड लग गया, अब वो लेडीज मानना को नहीं तो वो मैं हटाऊँ तो लोग और भी तो लगा रहे हैं तो औरों को साथ औरों का कुएं में पड़ जाओ हमें क्या दिक्कत है, लेकिन फिर वो लड़ाई कर ले तो मना क्यों हटाओ और भी तो देश लगा हुआ है। अब कल ना मान ले कोई भी कर्मचारी आके फलाइन छापा मारेगी तो मन पूछेगी उस, फिर वह उस लेडीज को थोड़ी पूछती है, उस बात पर भी झगड़ा कर लेती है। तो अब घर की अगर बात की जाए तो आपकी पत्नी क्या आपके साथ है? मेरी पत्नी मेरे साथ कहाँ, मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो मरवाती नहीं, वो अपने पति को मरवाती क्या, और चलो घर में तू मम्मी भी हो जाती है तो कम से कम ऐसे मरवाने के बाद रोटी पानी या कुछ नहीं घर में हो तो आता ही है मान ले, तो वो तो आज तक भी देखने के लिए नहीं आई, वो मेरे को घुसने भी नहीं देगी, वो नुका कहीं जाओ कहीं रहो। तो बेटा अभी दरख्वास्त दी हुई है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? देखो जी दरख्वास्त वो कल बयान लिख के ले गया था, अभी क्या कराया क्या नहीं मुझे तो ज्ञान नहीं इसके बारे में। ये बताइए क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में, क्योंकि एक बाप अपने बेटा को पैदा करता है ताकि वो सेवा कर सके, ये सेवा है। देखो जी कलयुग है क्या कह इसको, हमारा फर्ज है जी काम करो, लाइन सुबह जाओ टाइम सर अपना घर आओ, जब माँ का जोरा के बच्चे भी तो घूम रहे हैं तो छोरी है कि पकड़ लेगा कि जब ऐसी ऐसी बसात दे तो मैं क्या करूँगा उसमें।
मैं अकेला हो गया, अगर ज्यादा बोलता हूँ तो मेरे को पीट देता है फिर वो। लड़का कितने साल का है? 25 साल का है जी। 25 साल का है। और नशा करना कितने समय के अंदर शुरू किया था? उसने सर वो नौमी में उठा था, नौमी में से उठ गया था, उसके बाद वो पढ़िया को नहीं। नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बताने तो लग रहा जी, वो कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर ले, कुछ जो मेरे निकाल ले गया। बताओ तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखो जी, पुलिस का मैं अभी क्या बताऊं, वो कल बयान करे ले गई है, क्या करेगी क्या नहीं मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। पहले भी कार्रवाई हुई थी थोड़ी पुलिस में, करी थी आपने कार्रवाई कोई पहले? पहले मैंने 13 तारीख को 112 पर कॉल करी थी, वो अगले दिन फिर छोड़ दिया था वो।